हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस वीडियो में बताऊंगा आपको TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में आप स्क्रीन की वॉलपेपर किस टाइप से चेंज कर सकते हो। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, इसकी आप वॉलपेपर किस टाइप से चेंज कर सकते हो, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो डाउनलोड किया हूँ वो डाउनलोड फोल्डर में है, इसको ओपन कर ले रहा हूँ। देन ये अपेक्स लॉन्चर वर्जन 4.9.20, इसको मैं क्लिक करके इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। देन इंस्टॉल, यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। देन मैं कैंसिल बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप डिलीट बटन पर क्लिक करोगे तो ये सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर रहा हूँ। देन ओपन पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ एप्लीकेशन को। देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज योर ड्रॉअर स्टाइल, आपको जो रखना है तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करना होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो या फिर वर्टिकल भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर वर्टिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर आपको ड्रॉअर में कितना एप्लीकेशन को रखना है रो और कॉलम में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दे रहा हूँ जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट। देन यहाँ पर ट्रांजिशन में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ट्रांजिशन। देन मैं यहाँ पर ट्रांजिशन में टैबलेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट, आप स्किप भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ ट्रांजिशन में। यहाँ पर सारी इसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यू आर ऑल सेट। होम स्क्रीन, यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर की होम स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रही है, आप एपेक्स लॉन्चर पर क्लिक करके ऑलवेज कर दोगे तो एपेक्स लॉन्चर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी इसकी थीम। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मैंने सेटिंग किया था वो यहाँ पर आ चुकी है। मैंने हॉरिजॉन्टल करता तो इधर से होता, ये वर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। देन होम पर क्लिक करने पे एपेक्स लॉन्चर की होम खुल रही है। देन एपेक्स लॉन्चर वॉलपेपर की सेटिंग के लिए आपको वॉलपेपर की सेटिंग होम स्क्रीन में होगी। देन आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अलाउ कर लो, अलाउ, देन नीचे पिक इमेज, लेफ्ट हैंड नीचे साइड में पिक इमेज पर क्लिक करना है। देन आपके फाइल में जो भी पिक्चर होगी यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड किया हुआ हूँ कार की इमेज, और इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको वॉलपेपर में सेट कर दे रहा हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, कुछ टाइम लगेगी प्रोसेस होने में। और यहाँ पर वॉलपेपर सेट हो चुकी है, अब मैं होम स्क्रीन को आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वॉलपेपर आ चुकी है। आप इसकी साइज़ के लिए आप थोड़ी सी क्रॉप वगैरह कर लेना तो इसकी साइज़ अच्छे से फिट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर आ चुकी है, TS7 की वॉलपेपर। आप MTK में भी इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, वॉलपेपर लगाने के लिए एपेक्स लॉन्चर को यूज कर सकते हो। और होम स्क्रीन एप्लीकेशन की जो शॉर्टकट्स है इसको लॉन्ग प्रेस करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस और ड्रैग करके आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। और किसी एप्लीकेशन को आपको रिमूव करना है तो लॉन्ग प्रेस करके रिमूव पर क्लिक कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगी। इस लॉन्चर में टेम्परेचर भी शो कर रहा है, आप इसको भी कहीं भी लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। तो आप इस टाइप से TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में वॉलपेपर सेट कर सकते हो। आप यहाँ पर खुद की भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। यहाँ पर होम पेज पर वॉइस कमांड की बटन भी दी हुई है गूगल असिस्टेंट की, आप यहाँ पर कोई भी कमांड को भी उस पर क्लिक करके दे सकते हो। मे भी हो सकता है आपको एपेक्स लॉन्चर अच्छा ना लगे तो आप फिर ओरिजिनल TS7 की जो थीम है उस पर स्विच करना चाहो
तो आप एपेक्स लॉन्चर को अनइंस्टॉल कहाँ से कर सकते हो तो मैं आगे इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम की इस प्लेयर की सेटिंग में जाना होगा। तो प्लेयर की सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग, देन यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है, फैक्ट्री के नीचे मोर, देन ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर पर क्लिक करना है, देन फोर्स स्टॉप कर लो आप सबसे पहले, देन ओपन बाय डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है नीचे, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर क्लियर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लो, देन बैक और यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन एक्टिवेट हो जाएगी, देन ओके करके अनइंस्टॉल कर लेना है। और फिर आप वो होम बटन जैसे ही दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर TS7 की ओरिजिनल थीम आ चुकी है। थैंक यू।